हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। सो आज हम पार्ट 6 यानी कि कंज्यूमर सेगमेंटेशन पढ़ेंगे। जब भी हम कोई स्टाइल क्रिएट करते हैं या कोई भी गारमेंट क्रिएट करते हैं, कोई भी फैशन ट्रेंड को क्रिएट करते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने कंज्यूमर को स्टडी करना ज़रूरी होता है कि हमारे कंज्यूमर को एक्चुअली हमसे क्या चाहिए। सो हम कंज्यूमर सेगमेंटेशन के बारे में इस वीडियो में समझेंगे कि कंज्यूमर किस किस टाइप का होता है और हमें उसको किस तरह से स्टडी करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, कंज्यूमर सेगमेंटेशन अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई क्लस्टर्स ऑफ पीपल हु शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डेमोग्राफिक्स, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। कंज्यूमर सेगमेंटेशन की मदद से हम लोग कंज्यूमर्स को, बिकॉज दुनिया बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो हमको कंज्यूमर को स्टडी करने के लिए उसको स्मॉलर ग्रुप्स में सेगमेंट करना होता है, स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है। जैसे कि कुछ कंज्यूमर्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, कुछ कुछ शेयर करते हैं, मीन सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, तो हम उनको ग्रुप्स में स्टडी कर सकते हैं, जिससे कि हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा, बिकॉज हम हर ग्रुप को टारगेट नहीं कर रहे होते हैं। तो हम जिस ग्रुप को टारगेट कर रहे होते हैं उसको पर्टिकुलरली स्टडी करना थोड़ा ईजी हो जाता है। कंज्यूमर हु शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम ग्रुप कॉल्ड कोहॉर्ट्स। जो कंज्यूमर्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं उनको हम कोहॉर्ट्स बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द यंग कंज्यूमर सेगमेंट कैन बी सब डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर डेटा लाइक ऑक्यूपेशन, एज, मैरिटल स्टेटस, एथनीसिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। बिकॉज ऐसा नहीं है कि यूथ तो फिर बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूथ में भी क्या आप जेंडर के अकॉर्डिंग भी उसको सेगमेंट कर सकते हो, एज के अकॉर्डिंग भी सेगमेंट कर सकते हो, जैसे कि टीनेज या फिर आफ्टर 20s। यंग कंज्यूमर्स इन द सेम एज ग्रुप हैव अ कलेक्टिव माइंडसेट, बिकॉज टीनेजर्स का एक अलग माइंडसेट होता है, जो लोग 20s में होते हैं उनका एक अलग माइंडसेट होता है, तो उससे उनको स्टडी करना बहुत ही इजी हो जाता है। सिमिलरली, जेनरेशनल कोहॉर्ट्स आर इन द सेम एज ग्रुप बीइंग बोर्न मोर और लेस अराउंड द सेम टाइम एंड एनकाउंटर द सेम सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन प्रिवेलिंग अराउंड देम। This commonality shapes their relationships and attitudes to the people and the products, क्योंकि वो उसी तरह की products like करते हैं, while sharing common preferences and lifestyle. Some examples are baby boomer generation. ये generation कौन सी थी जो World War II के बाद born हुई थी और ये first TV generation थी. Next is generation X, born between 1961 to 1981, and it was the first computer generation. Generation Y, born after 1982, are the children of baby boomers and the target of many marketing groups. Okay, professional consumer research companies use different data collection methods like focus groups, survey, observation to understand and analyze the consumer behavior and preferences. कंज्यूमर को स्टडी करने के लिए सबसे पहले उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को जानना ज़रूरी है कि उसको क्या करना पसंद है, क्या उसको पार्टीज जाना पसंद है, क्या वो एक इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, तो उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस से उसी तरह से हमें पता चलेगा। बिकॉज अगर आप एक सीक्विन क्लब वेयर जैकेट बना रहे हैं तो वो आप ऑब्वियसली एक इंट्रोवर्ट को ऑफर नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंट्रोवर्ट उसे खरीदेगा ही नहीं, वो तो कहीं जाता ही नहीं है ना। सो आपको जब भी कोई चीज़ बनानी होती है तो अपने टारगेट मार्केट को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ क्रूशियल फॉर अ कंपनी टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड देयर टारगेट कंज्यूमर्स हु आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड और परचेज द प्रोडक्ट ऑफर्ड। सेगमेंटेशन स्ट्रेटजीज आर बेस्ड ऑन टू टाइप्स ऑफ डेटा, दैट इज साइकोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक। ये दो टाइप के डेटाज होते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं अपने कस्टमर को या कंज्यूमर को स्टडी करने के लिए। अभी हम इसको एक एक करके समझेंगे कि ये दोनों होते क्या हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। सो द फर्स्ट वन इज डेमोग्राफिक डेटा। डेमोग्राफिक डेटा एक जनरल डेटा होता है जो तो चाहिए ही चाहिए, दिस इज कंपल्सरी। अगर आपको अपना टारगेट मार्केट स्टडी करना है, अपने कंज्यूमर को स्टडी करना है, सो दिस इज कंपल्सरी, इसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। फर्स्ट, उनकी ऑक्यूपेशन, क्या वो वर्किंग है, क्या वो नहीं वर्किंग है। बिकॉज ऐसा होता है कि अगर आप ये चीज़ मदर्स के लिए बना रहे हैं या हाउसवाइफ्स के लिए बना रहे हैं या ऐसी मैरिड वुमेन के लिए बना रहे हैं,
जो घर भी संभालती है और बाहर भी जाती है, तो उसको उसकी नीड्स अलग तरह की होंगी, मदर्स की नीड्स अलग तरह की होंगी। सो एज के अकॉर्डिंग भी ऑब्वियसली आप अपने कस्टमर को स्टडी करेंगे, मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग भी। एथनिसिटी एज इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ड्राइव कस्टमर्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर। परहैप्स द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ये कंपनीज के थ्रू मेन मेथड है, यही ज़्यादातर यूज होता है। Instead of reaching an entire market or broad customer base, a brand use this method to speak directly to a defined subset of the market. इसमें बहुत ज़्यादा deep study की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही general data चाहिए होता है, जिसको कि company ज़्यादातर surveys के through collect करती हैं। Dividing the market into smaller segments, each with a common variable, allow company to use their time and resources more efficiently. Obviously, क्योंकि अगर उन्हें पता होगा कि उन्हें किस सेगमेंट को टारगेट करना है, तो उनके लिए प्रोडक्ट को प्लेस करना और प्रोडक्ट को डिजाइन करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। द नेक्स्ट इज साइकोग्राफिक डेटा। इट कंबाइंस द कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड डेमोग्राफिक्स। दीज आर सप्लीमेंट्री डेटा जो हमें इन डेमोग्राफिक्स के साथ चाहिए होता है। एक बार को इन सम सिचुएशंस आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट ये भी जरूरी होता है आपके कस्टमर को स्टडी करने के लिए, जैसे कि कॉमन वैल्यूज, एटीट्यूड्स, प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर्स, कौन से कलर्स पसंद आएंगे, क्या वो ट्रेंड के साथ जाते हैं, उनके एटीट्यूड्स क्या हैं, बिहेवियर्स क्या हैं, वो घर पे रहना पसंद करते हैं या बाहर जाना पसंद करते हैं, फिटनेस कॉन्शियस हैं या नहीं है। तो ये चीज़ें प्रोडक्ट को बनाने में और उसको पोजिशन करने में बहुत हेल्प करती हैं। पोजिशनिंग ऑफ फैशन प्रोडक्ट्स इज मोर इफेक्टिव इफ इट इनकॉर्पोरेट्स द हु ऑफ डेमोग्राफिक्स with the why of psychographics, ठीक है। तो उनकी कस्टमर की बेसिकली लाइफ स्टाइल को स्टडी करना इज द साइकोग्राफिक डेटा। ओके, तो अभी हमने समझा कि कस्टमर के कौन कौन से डेटा होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, लेकिन कस्टमर किस टाइप का हो सकता है हमारा, वो हम अभी पढ़ेंगे। द कंज्यूमर इज नॉट अ सिंगल पर्सन ऑब्वियसली, बट रिप्रेजेंट्स अ वेरी वाइड एंड डाइवर्स सेगमेंट ऑफ पीपल। इट इज दिस डाइवर्सिटी दैट क्रिएट्स डिफ्यूजन, जिसकी वजह से हमारा फैशन स्प्रेड हो पाता है। बिकॉज हम कॉमनर्स अलग हैं सेलिब्रिटीज से, तो उन सेलिब्रिटीज की वजह से ही शायद फैशन हमारी तक पहुंचता है, या कई बार ट्रिकल अप थ्योरी भी काम कर जाती है। सम कंज्यूमर्स आर फैशन लीडर्स वाइल अदर्स आर फॉलोअर्स। कुछ लोग फैशन लीडर्स होते हैं जो फैशन को मोटिवेट करते हैं, फैशन को सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं, और कुछ फैशन फॉलोअर्स होते हैं जो उन्हीं को देख के फैशन को अडॉप्ट करते हैं। सो द कंज्यूमर्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू फैशन इन्फ्लुएंशियल्स एंड फैशन फॉलोअर्स। एज यू कैन सी हियर दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब फैशन इन्फ्लुएंशियल्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो इनोवेटर्स हो सकते हैं या तो वो मोटिवेटर्स हो सकते हैं, इनको हम आगे डीपली समझेंगे। फैशन फॉलोअर्स, फॉलोअर्स एंड विक्टिम्स, ये भी दो तरह के हो सकते हैं, इसको भी हम आगे समझेंगे। सो फर्स्ट आर फैशन इन्फ्लुएंशियल्स। फैशन इन्फ्लुएंशियल्स आर ऑल्सो नोन एज फैशन चेंज एजेंट्स। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इनिशिएशन एंड स्प्रेड ऑफ द फैशन, क्योंकि सबसे पहले यही लोग होते हैं जो सबसे पहले उसको अडॉप्ट करते हैं, और यही लोग होते हैं जो उसकी स्प्रेड में भी हेल्प करते हैं। दे एस्टेब्लिश ड्रेस कोड्स एंड स्टाइल फॉलोड बाय अदर्स। ये लोग फैशन लीडर्स होते हैं जो फैशन को लीड करते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, मेनली फैशन इनोवेटर्स एंड फैशन मोटिवेटर्स। अब फैशन इनोवेटर्स वो लोग होते हैं जो बेसिकली फैशन को फैशन में कुछ ना कुछ इनोवेशन करते हैं, कोई ना कोई नया स्टाइल अडॉप्ट करते हैं या तो बनाते हैं। फैशन इनोवेटर्स आर फैशन लीडर्स एंड दे आर द अर्ली अडॉप्टर ऑफ न्यू स्टाइल्स। दे आर वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, बट ड्यू टू देयर पर्सनल कैरिज्मा, एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, सोशल पोजिशन, फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड पॉपुलैरिटी, दे आर कंसिडर्ड एज फैशन रोल मॉडल्स एंड स्टाइल आइकन्स capable of influencing large segment of society. खुद तो small segment होती है society की, but ये capable होती है large segment को influence करने के लिए। Fashion leaders are interested, knowledgeable about fashion and are extroverts. These are not introverts. They are self-confident. वो जो भी पहनते हैं वो उसमें अपने आप को confident feel करते हैं, और trends को set करने में, trends को spread करने में help करते हैं।
दे आर क्विक टू अडॉप्ट न्यू स्टाइल्स. वो ऐसे स्टाइल्स इतनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं जब जब वो पीक पे भी नहीं होता, मेनली इंट्रोडक्शन स्टेज पे होता है. सेवरल काइंड्स ऑफ पीपल कंप्राइज द कैटेगरी ऑफ फैशन इन्फ्लुएंशियल्स. अब ये कौन हो सकते हैं? या तो डिजाइनर्स खुद हो सकते हैं, या इनोवेटर्स हो सकते हैं, या फिर सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, फेमस पर्सनैलिटीज हो सकती हैं. तो ये फैशन इन्फ्लुएंशियल्स ये लोग हो सकते हैं, बिकॉज मेनली यही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैशन को स्प्रेड करने के लिए. द नेक्स्ट इज फैशन मोटिवेटर्स. दे प्ले अ रोल इन मोटिवेटिंग कंज्यूमर्स टू अडॉप्ट न्यू फैशन. ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं सोशल मीडिया पे जो हमें मोटिवेट करते हैं उस फैशन को अडॉप्ट करने के लिए, जो हमें अवेयर करते हैं कि मार्केट में ये ट्रेंड आया है, प्लीज गो एंड अडॉप्ट इट. फैशन मोटिवेटर्स कैन बी मूवी स्टार्स, सेलिब्रिटीज ऑब्वियसली, फेमस पर्सनैलिटीज, मीडिया पर्सन हो सकते हैं, फैशन जर्नलिस्ट हो सकते हैं, फैशन डिजाइनर्स हो सकते हैं, बुटीक ओनर्स हो सकते हैं, जो एक्सक्लूसिव बुटीक्स होते हैं वो हो सकते हैं, जो कि फैशन को मोटिवेट करते हैं, हमें हमें बोलते हैं कि ये चीज़ मार्केट में आई हुई है, गो एंड सर्च एंड वेयर इट. ओके, द नेक्स्ट सेगमेंट इज द ब्रॉड वन. द नेक्स्ट सेगमेंट इज फैशन फॉलोअर्स. ऑब्वियसली एज द नेम सेज, जो फैशन को फॉलो करते हैं उनको फैशन फॉलोअर्स बोला जाता है. Those who belong to a wider cross-section of the consumer base and abide by the dress codes of the majority are known as fashion followers. Their majority of consumers obviously commoners hote hain, mainly commoners hote hain, who accept the trends once these are firmly entrenched in the market. Matlab market mein jab wo aa jate hain, sabko awareness ho jati hai, tab wo log usko follow karte hain. They feel a sense of comfort in conforming to styles. मतलब ये ऐसे styles adopt करते हैं जिससे कि ये लोग अपनी society में, मतलब अपने आसपास के लोगों में merge हो सकें. कुछ बहुत different नहीं पहनते हैं, बहुत different fashion innovators, fashion motivators पहनते हैं. Fashion followers may be those who may not have much of disposable income. उनकी income भी थोड़ी कम होती है, time भी limited होता है, because ज़्यादातर ये category job वाले लोगों को ही include करती है. एंड इंटरेस्ट इन फैशन, जिनको ज्यादा फैशन की नॉलेज नहीं होती, बस वो फैशन को फॉलो करते हैं. सम डिजाइनर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स क्रिएट मोर वेराइटी ऑफ अफोर्डेबल स्टाइल्स, बिकॉज हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसमें और ज्यादा वेरिएशन आने लगती हैं. फैशन नीड्स फॉलोअर्स विदाउट होम इट वुड नॉट गेन मोमेंटम, बिकॉज अगर सिर्फ हायर क्लास या फिर फैशन लीडर्स ही उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो ट्रेंड बनेगा ही नहीं जब तक वो सब तक पहुंचेगा नहीं. फॉर मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, फैशन फॉलोअर्स आर द ड्राइवर्स ऑफ मास प्रोडक्शन, बिकॉज इन्हीं की वजह से डिमांड क्रिएट होती है मार्केट में और फिर मास प्रोडक्शन होता है. तो ये थे फैशन फॉलोअर्स. नेक्स्ट आर फैशन विक्टिम्स. एक्सट्रीम फॉलोअर्स आर नोन एज फैशन विक्टिम्स, जिनको मतलब जिनको ये नहीं पता होता कि मुझे ये पहनना चाहिए क्या, क्या ये मेरी बॉडी टाइप पे अच्छा लगेगा, बिकॉज कपड़े हमेशा अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग भी पहनते हैं लोग. वो बस फैशन को इसलिए अडॉप्ट कर लेते हैं कि वो मार्केट में इन है और मेरे को इन्फ्लुएंसर ने बोला है या मेरे स्टाइलिस्ट ने मुझे बोला है कि ये मुझे पहनना चाहिए. दिस फ्रेज इज समटाइम्स यूज टू रेफर दोज हु फॉलो फैशन ट्रेंड्स विदाउट एक्सरसाइजिंग देयर ओन जजमेंट, जो जज नहीं करते, बस जो मार्केट में आ रहा है या जो डिजाइनर ने बना दिया वो पहन लिया. द कंज्यूमर सेगमेंट इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय इनकम एंड हाई परचेजिंग पावर. इनकी इनकम हाई होती है, परचेजिंग पावर हाई होती है, बट ये लोग फैशन को कभी भी जज नहीं कर पाते हैं कि क्या ये ट्रेंड मुझे पहनना चाहिए, क्या ये ट्रेंड मार्केट में चलेगा या नहीं, बस उसको पहन लेते हैं. दे टेंड टू बाय द लेटेस्ट फैशन सिंपली बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है और उनकी हाई परचेजिंग पावर होती है, तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग दिखाने के लिए भी वो उसको पहन लेते हैं. एक कैटेगरी और होती है जो बुक में मेंशन नहीं है, दैट इज फैशन लैगर्स. दीज आर दोज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो कि फैशन को तब अडॉप्ट करती है जबकि वो डिक्लाइन होने लगता है या ऑलमोस्ट आउटडेट हो जाता है. ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.